हेलो स्कॉलर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट, जो है एजुकेशनल स्टडीज़ यानी कि शैक्षिक अध्ययन। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। इसके अलावा हमारी एक और यूनिट चल रही है जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, जो कि थर्ड यूनिट है। तो उसकी वीडियोज़ आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ मोहिनी सैनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। फिलोसफी और दर्शन, सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि दोनों एक ही वर्ड हैं, कि फिलोसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं और दर्शन को इंग्लिश में फिलोसफी कहते हैं। लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये दोनों क्वाइट डिफरेंस है, डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि फिलोसफी रिलेटेड है वेस्टर्न कंट्रीज से। किससे रिलेटेड है? वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न फिलोसोफर्स से। और दर्शन रिलेटेड है इंडियन फिलोसोफर्स से। इसको इंडियन फिलोसोफर्स ने दिया था और इसे इंडियन फिलोसफी कहा जाता है और इसे वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है। इसलिए इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, इनके मीनिंग को पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ इनका डिफरेंस भी क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं फिलोसफी किसे कहते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, पाश्चात्य फिलोसफी या पाश्चात्य दर्शन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सुकरात। सुकरात को वेस्टर्न फिलोसफी का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसके अलावा फिलोसफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? फ्लोस और सोफिया, जिसमें फ्लोस का अर्थ है लव या फिर अफेक्शन, प्रेम और अनुराग, और सोफिया का अर्थ है विजडम। इस प्रकार से फिलोसफी का अर्थ हुआ लव फॉर विस्डम या फिर ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। तो जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं, वो ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, वो हमेशा जिज्ञासु रहता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसके मूल तत्व को जानने के लिए, तो उसे हम कहते हैं दार्शनिक। और जिस चीज़ में इन सब का वर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं हम फिलोसफी। सिंपल, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि प्लेटो के द्वारा दी गई हैं। ये दोनों ही परिभाषाएं प्लेटो ने दी हैं। पहली है, वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सदैव सीखने के लिए जिज्ञासु रहता है और कभी भी संतोष प्राप्त करके रुकता नहीं है, वास्तव में दार्शनिक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और हमेशा सीखने के लिए जिज्ञासु रहता है और कभी भी रुकता नहीं है, सेटिस्फाइड होके वो कभी भी नहीं रुकता कि हाँ मुझे बस इतना ज्ञान मिल गया, अब आगे मुझे नहीं लेना। नहीं, उसे जितना ज्ञान मिलता जाता है वो उससे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे वास्तव में हम क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। और जिसमें इन सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? फिलोसफी कहेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और परिभाषा दी है, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। सनातन स्वरूप मतलब के इटर्नल नेचर, वस्तुओं का जो उनका मूल तत्व है, यानी कि उनकी बेस क्या है, जिस नॉलेज को व्यक्ति प्राप्त करना चाह रहा है, जिसको पाने के लिए वो जिज्ञासु है, उसका बेस क्या है। व्यक्ति सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहता, उसके मूल तत्व को भी जानना चाहता है, उसका मूल आधार क्या है। तो ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिलोसफी। नेक्स्ट है फिलोसफी के संप्रदायों का वर्गीकरण। ये सब फिलोसफी के संप्रदाय हैं, जिनको हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला है प्रकृतिवाद या फिर भौतिकवाद, जिसे नेचुरलिज्म कहते हैं। सेकंड है आदर्शवाद या विचारवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडियलिज्म। प्रयोजनवाद या फिर व्यवहारिकतावाद, जिसे कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। यथार्थवाद या वास्तववाद, जिसे कहते हैं रियलिज्म। मार्क्सवाद, यानी कि मार्क्सवाद को मार्क्सवादी कहते हैं इंग्लिश में। मानववाद, जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो ये सब हैं वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इन्हें हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, यहाँ सिर्फ हम बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं दर्शन शास्त्र क्या है या फिर दर्शन क्या है। अब आप लोग दर्शन और दर्शन शास्त्र दोनों को एक ही मान के चलिए, एक ही को कहा गया है। ठीक है, अभी फिलोसफी को पढ़ा, अब दर्शन को पढ़िए। दर्शन संस्कृत के दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है
देखना। अब इसमें तीन तथ्य समाहित हैं, क्या देखना, कैसे देखना और क्यों देखना। इन तीन चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं। क्या देखना, अंतिम सत्य को देखना कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो है क्या, पूरा जो यूनिवर्स है उसका अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, और उस ट्रूथ को हम कैसे देखेंगे, अंतर्दृष्टि के द्वारा देखेंगे, जो हमारी इनसाइट है, आंतरिक प्रेरणा है, उसके द्वारा हम उस ट्रूथ को देखने की कोशिश करेंगे। और उस ट्रूथ को हम देखेंगे क्यों, उस सत्य को क्यों देखेंगे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, फॉर सेल्वेशन। हम उस ज्ञान को या उस सत्य को इसलिए देखेंगे जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो फिलोसफी है, जो अभी आपने पढ़ा वेस्टर्न फिलोसफी, वो सिर्फ और सिर्फ इस वस्तु जगत के ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो इस पूरे संसार में हमें दिखाई दे रहा है उसके ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो उनका विषय है। जबकि जो दर्शन शास्त्र है या फिर जो इंडियन फिलोसोफर हैं, इंडियन फिलोसफी है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसके ज्ञान को, उसके मूल तत्व को जानना चाहते हैं कि इस सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, इस सृष्टि का मूल क्या है, मानव कहाँ से आया, भगवान है या नहीं है, आत्मा परमात्मा ये सब क्या हैं। तो जो भारतीय दर्शन है वो इस जगत के ज्ञान के साथ साथ परलोक के ज्ञान को भी अपना विषय बनाता है, यानी कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, मानव कहाँ से आया है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, इसके बारे में जानना चाहता है कौन, दर्शन शास्त्र। ठीक है, ये सब इसके विषय हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी के बीच में। दर्शन शास्त्र के बारे में कहा गया है, दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। यथार्थ तत्व मतलब अंतिम सत्य की अनुभूति हो जिसके द्वारा, उसे हम कहेंगे दर्शन। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। हम किसके द्वारा देखते हैं, अंतर्दृष्टि के द्वारा। ये सब दर्शन की भाषा में कहा जा रहा है कि हम किसके द्वारा देखते हैं। सामान्य भाषा में तो हम आँखों के द्वारा देखते हैं, लेकिन दर्शन की भाषा में अंतर्दृष्टि के द्वारा हम देखते हैं, इनसाइट के द्वारा। जब व्यक्ति के अंतर्गत इनसाइट उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब वो अल्टीमेट ट्रूथ को समझने के लिए और उसे पहचानने के योग्य हो जाता है, तब उसको प्राप्त होता है सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, दर्शन शास्त्र कहलाती है। अब आगे इसकी एक और परिभाषा देख लेते हैं, ज्ञान की वह शाखा जिसमें इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है उसे दर्शन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स इज डिस्कवर्ड इज कॉल्ड फिलोसफी, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो अंतिम सत्य है उसे हम दर्शन कहते हैं। ठीक, आगे है, दर्शन का वास्तविक संप्रत्यय यानी कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, इसके बारे में कहा गया है, दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य, मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा यानी कि सृष्टि और सृष्टि को बनाने वाला, आत्मा और परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान और अज्ञान और उस ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां, और मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के साधनों की तार्किक विवेचना की जाती है। ठीक है, तो ये एक इसकी संपूर्ण परिभाषा हम कह सकते हैं, दर्शन की संपूर्ण परिभाषा है ये, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड का अंतिम सत्य भी, मानव का वास्तविक स्वरूप भी, और बाकी सब चीज़ें ये सब इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए ये एक संपूर्ण परिभाषा कही जा सकती है। आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर की जाती हैं भारतीय दर्शन में, जबकि जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस वस्तु जगत के ज्ञान को ही सम्मिलित किया जाता है। तो वेस्टर्न फिलोसफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ, बहुत ही माइनर छोटा कॉन्सेप्ट हुआ, जबकि भारतीय दर्शन कैसा हुआ, एक वाइड टॉपिक हुआ। आगे देखते हैं भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण। भारतीय दर्शनों को मुख्यतः दो वर्ग में विभाजित किया जाता है, आस्तिक और नास्तिक। देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि
जैसे षट दर्शन है तो उसे इंग्लिश में हम षट दर्शन ही कहेंगे, सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन कहेंगे, योग दर्शन को योग दर्शन ही कहेंगे इंग्लिश में। तो इनके जो हिंदी के नाम है वो एज इट इज़ इंग्लिश में भी हैं, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन नहीं किया है। और बाकी जब हम इसे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आस्तिक और नास्तिक इन दो, उसमें इसे बांटा गया है भारतीय दर्शनों को। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं षट दर्शन, ये छह दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, जो हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक के अंतर्गत आते हैं चार्वाक, जैन और बौद्ध। ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि वो सब जो हमने पहले पढ़े थे, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, वो सब क्या थे? वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। और इन सबको क्या कहा जाता है? इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, ठीक है। दर्शन का आधुनिक संप्रत्यय, अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे ये सब अब पुराने हो चुके हैं। बाद में कुछ नए फिलोसोफर्स आए जिन्होंने दर्शन के नए नए कॉन्सेप्ट्स को बताया, ठीक है। उनके अनुसार उन्होंने दर्शन की परिभाषा इस प्रकार दी कि दर्शन वह अनुशासन या विषय है जिसमें अनुभवजन्य और प्रत्यक्ष ज्ञान का तार्किक विश्लेषण किया जाता है, लॉजिकल एनालिसिस किया जाता है और भाषा विश्लेषण किया जाता है, और उसी ज्ञान को सत्य माना जाता है जो इस कसौटी पर साबित होता है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि जो अनुभवजन्य ज्ञान है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो ज्ञान, और जो प्रत्यक्ष हमें सामने हमारे दिखाई दे रहा है वो वाला ज्ञान जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान उसका तार्किक विश्लेषण किया जाए और फिर भाषा विश्लेषण किया जाए, तब जा करके उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने रख दिया, ठीक है। तो ये सब क्या माना गया? दर्शन का आधुनिक संप्रत्यय इसे कहा गया। इन्होंने कुछ संप्रदाय भी बताए, आधुनिक संप्रदाय दर्शन के जो हैं, पहला है अनुभववाद, दूसरा है तार्किक अनुभववाद, फिर है तार्किक विश्लेषण, फिर तार्किक प्रत्यक्षवाद और तार्किक सापेक्षवाद। इन सबको कहा गया मॉडर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। पहले हमने देखे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, फिर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, और अब ये हैं मॉडर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो यही ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम्स में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, हमेशा घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे जिससे कि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस हैंड टू हैंड होती रहे, ठीक है। आगे देखते हैं दर्शन शास्त्र का क्षेत्र क्या है। अब इसमें ये देखना है कि दर्शन किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और जो जिन पर पूरे आगे के स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहले है तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सत्य की खोज कैसे की जाए, कि सत्य आखिर है क्या, अल्टीमेट सत्य की जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो अंतिम ज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं, वो उसकी खोज कैसे की जाए, किसे हम लोग सत्य कहेंगे, तो उस चीज़ की विवेचना किसके अंतर्गत की जाती है? तत्व मीमांसा या फिर मेटाफिजिक्स के अंतर्गत की जाती है। सेकंड है ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। इसमें हम पढ़ते हैं सत्य संबंधी ज्ञान का विकास कैसे हो सकता है और ज्ञान अर्जित करने के क्या क्या साधन हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो इनका अध्ययन हम करते हैं ज्ञान एवं तर्क मीमांसा में। इसके अलावा है मूल्य एवं आचार मीमांसा। इसमें हम पढ़ते हैं जीवन मूल्यों के चयन का मानदंड क्या होना चाहिए, कि ऐसा कौन सा स्केल है जिसका जिस पर हम ये डिसाइड करें कि जीवन के मूल्य कौन कौन से हैं, किन किन मूल्यों को हमें अपनाना चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं मूल्य मीमांसा एवं आचार मीमांसा के अंतर्गत। अब जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उन्होंने इन जो ये क्षेत्र है इसको और अलग तरीके से बांटा है। उन्होंने तत्व मीमांसा को अलग कहा है, ज्ञान मीमांसा को अलग विभाजित किया है, और तर्क मीमांसा को अलग, मूल्य मीमांसा को अलग और आचार मीमांसा को अलग, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से नहीं देखते, वो स्थूल तरीके से देखते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर का देखते हैं, सिर्फ अंदर गहराई तक वो इतने नहीं जा पाए जितने कि भारतीय दार्शनिक गए हैं। तो भारतीय दार्शनिक ने ज्ञान और तर्क मीमांसा को एक ही कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसमें हम सत्य यानी कि
ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, उसका विकास कैसे होता है, ज्ञान संबंधी जो सत्य संबंधी जो ज्ञान है उसका विकास कैसे होता है और ज्ञान को अर्जित करने के साधन क्या हैं, तो इसलिए उन्होंने एक ही कैटेगरी में इसको रख दिया। इसी प्रकार से मूल्य एवं आचार मीमांसा को एक ही कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये सेम सेम हैं दोनों, ठीक है। अब इनके बारे में एक कोटेशन कही है, बहुत ही अच्छी कोटेशन है जो कि कही है टी एस एलियट ने वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी के डिफरेंस को समझने के लिए। इन्होंने कहा है, भारतीय दार्शनिकों की सूक्ष्मता को देखते हुए यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चों जैसे लगते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, इससे साफ साफ पता चलता है कि भारतीय दर्शन कितना महान है और कितना व्यापक है, क्योंकि जो पाश्चात्य दर्शन है वो खुद ही भारतीय दर्शन में समाहित है, क्योंकि वो एक छोटा टर्म है और भारतीय दर्शन एक बड़ा टर्म है। पाश्चात्य दर्शन जो हमें बताता है, समझाता है, वो सब भारतीय दर्शन में पहले से ही विद्यमान है, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो महान दार्शनिक हैं यूरोप के, यानी कि पाश्चात्य दार्शनिक हैं, वो भारतीय दार्शनिकों के सामने कैसे लगते हैं, स्कूल के बच्चों के समान लगते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी बातें बताता है किसी बड़े के सामने। इस प्रकार इन्होंने भारतीय दर्शन और भारतीय दार्शनिक दोनों की महानता को दर्शाया है। आज की वीडियो में आपने फिलोसफी और दर्शन दोनों के ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब आने वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में डिटेल में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।